बंधु बांधव सास ससुर इनके द्वारा किया गया प्रेम, प्रेम तो अच्छा लगता नहीं है और ये बन की ओर दौड़ती। तो वरेंडी जो बंधुजनों का, सास ससुर गुरुजनों का जो प्रेम है उसका भी त्याग करके, जो विस्मार है कि उसको भी भुला करके बन की ओर भागती है। हाय हाय महाधूर्त श्रेणी गुण गणिम विस्तारण पतो, महाधूर्तों की श्रेणी के गुणों की गरिमा का विस्तारण करने वाला ये श्याम सुंदर नंद का ढोटा कहां से आ गया, यहां पर कहां पे आ गया। सो महाधूर्त श्रेणी गुण गरिम विस्तारण पता है, महाधूर्तों की श्रेणी की गुण गरिमा का विस्तारण करने वाला, गुणों का विस्तारण करने वाला ये श्याम सुंदर, हाय ये नंद का ढोटा यहां कहां से आ गया। हाय हाय मेरी बेटी सरल पुत्रे, तू तो बड़ी सरल है, अरे बेटी तू कहां से करो संगे तस्य तोमपि पतिता, हाय उसके हाथ में तू कहां से पड़ गई, इस चंचल के हाथ में तू कैसे पड़ गई। तो बना सकतम चेता प्रलयति ग्राह, जो ग्राहक माने घर से जो श्याम सुंदर इन गोपियों के चित्त को वन में तो आसक्त कर देते हैं और घर से दूर कर देते हैं, विरमियन घर से विराम करते हुए वन में आसक्त कर देते हैं। वरेण्यम बंधुनाम प्रणयम अपि विस्मारयति, बंधुओं के प्रेम को भी जो विस्मृत कर देता है। और महाधूत श्रेणी गुण गरिम, महाधूत श्रेणी जो है उसकी गुण गरिमा को विस्तार करने में जो चतुर है, ऐसे श्याम सुंदर के हाथ में तू कैसे पड़ गई। महमंगल उस समय तुम घबराते हैं और कह रहे हे सखा मारुत बाचाली कृत मुखी एव तब वंशी बात बुद्धा प्राप्त, जैसे तेरी वंशी जरा सी हवा के रुख में आती है सो ये अपने आप ही बज उठती है, ऐसे ही ये पाए से बर्राती हुई डोकरी कहां से आ गई। मारुत ये मधुमंगल की बोली है भाई हंसी की, बोले जैसे तेरी वंशी वायु के मुख में आते ही बोल पड़ती है ऐसे ही बाय में बर्राती हुई ये डोकरी कहां से आ गई। सो मारुत वाचाली कृत मुखी, वायु के द्वारा जिसका मुख वाचाल हो जाए ऐसी वंशी की तरह से ये वृद्धा कहां से आ गई। तदत्र किम विलंब से, भैया यहां से खिसक जाना ही अच्छा है, चलो 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 चलो। कृष्ण को अब याद आई सके और मेरे वंशी तेरे अच्छी याद हो, मेरी वंशी कहाँ है, वंशी तो पहले ही चोरी हो गई, बोलो वृंदावन में आए थे। श्याम सुंदर को एक बहाना मिल गया, उस समय मुखरा जी के आगे भी श्री प्रिया जी से झगड़ा करने का और प्रिया जी से कहीं वार्तालाप करने का, प्रयास करने का श्री श्याम सुंदर को ये मौका मिल गया। और उस समय बतरस लालच लाल की मुरली लई लुकाए, सोह करे भोन परे देन कहे नट जाए। जगत में कोई छह रस माने, जगत में कोई आठ रस माने, कोई साहित्यकार नौ रस मानते हैं, कोई दस मानते हैं, कोई बारह मानते हैं, और बाद के साहित्यकारों ने तो और भी रस, बी रस के न जाने कितने भेद, देशभक्ति को भी कहीं रस के रूप में आपने कभी उन्हें प्रस्तुत कर दिया, तो ऐसे बहुत से रस हैं। परंतु रस को ही कितने भी मानो, सब रसों में मुकुटमणि एक रस है जिसके आगे सारे रस फीके, और उस रस का नाम है बतरस। प्रिया के साथ में बात करने में श्याम सुंदर को जो रस आता है उस रस के आगे सारे रस फीके, तो आज वही बतरस करने का ये स्व अवसर प्राप्त हो गया और श्री प्रिया के साथ में वार्तालाप करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हो गए। आगे वार्तालाप होंगे और यही इस अध्याय की, इस अंक की अब समाप्ति कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय 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 जय। राधा रमण हर।
हरि गोविंद।